Assalamualaikum everyone. This is Betul Mirza again, day three of our mental health summit series, जो कि बहुत ज़्यादा well received है, बहुत लोग इसको सराह रहे हैं, appreciate कर रहे हैं. We are becoming voices for people जो कि इस चीज़ को address करना भी चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे. तो I am very privileged to have Sir Naushad with us today. Sir Naushad Karachi में होते हैं. He has over 30 years of experience working with families and children. एक पूरी community है जो उनके पास आती है, उनको trust करती है. And so I want to hear from him about parent empowerment and how that can improve a caregiver's mental health. अगर आप अभी tune in कर रहे हैं, तो please head over to my page so you can take a look at all the other speakers that we have had for the past 1 week. I've been hosting them and we've been talking about various topics related to parents' mental health. Hamara lineup bahut zabardast raha hai. Aaj Sir Naushad hamare second last guest hain and we have one more to go before we wrap up the series. Apna taaruf to main kara chuki hoon do teen dafa. Main Sir Naushad se kahungi ki wo apna taaruf karaye hame hamare aise audience ke liye jo bilkul abhi tune in kar rahe ho. Sir, please go ahead. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. माशाल्लाह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है जिसमें ऑडियोलॉजी के हवाले से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के हवाले से, सेरेब्रल पॉलिसी के हवाले से और मेंटल हेल्थ के हवाले से खासतौर पे बतूल मिर्जा साहबा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुछ सीनियर्स, कुछ पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स के जरिए माशाल्लाह पूरे हफ्ते भर से आपकी जो काविशें हैं वो मेरी नज़रों से गुजर रही हैं. मेरा नाम सैयद नौशाद शौकत है और मैं 85-6 से इस फील्ड से वाबिस्ता हूँ. बहसियत एक थेरेपिस्ट के, एक टीचर के, एक प्रेजेंटेटर के, मैं उस वक्त से हूँ जब कुछ भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं था. मेरे सामने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन बने कराची पंजाब यूनिवर्सिटी में और पहला जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट भी कराची यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट किया था. और फिर पाकिस्तान भर में माशाल्लाह इतनी आगही हो चुकी है, लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि बहुत तेजी से ये फरोख पा रहा है और बहुत सारे माहिरीन और एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स लाइक ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापिस्ट, बिहेवियर थेरापिस्ट, बिहेवियर एनालिस्ट और नए नए वर्जन सामने आ रहे हैं, नई नई जो लोगों की डिस्कवरीज है, रिसर्च है, ये सब चीजें मिलकर कुछ सहूलत पैदा कर रही है, आसानी पैदा कर रही है और एक होप डेवलप हो रहा है. इसी में मैं बतूल मिर्जा, वो क्या आप अपना सब बता चुकी है, मैं आपको भी एक दो साल से माशाल्लाह की कुछ प्रेजेंटेशन सुनता आ रहा हूँ. मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, हाँ एक जिंदगी गुजारी है दुआओं के सहारे, क्योंकि मेरा तो बहुत सादा सा बेस है दुआ और हार्ड वर्क. लेकिन जानता हूँ एक पूरी साइंस है, ऑटिज्म पर वर्ल्ड वाइड रिसर्च ऑनगोइंग प्रोसेस के साथ जारी है और हेल्थ स्टेटस के हवाले से कुछ प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत होती है और थोरो मैनेजमेंट, थोरो असेसमेंट, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है. मैं अकेला कुछ भी नहीं, मेरी दुआएं सबके साथ होती हैं कि सब नेक नियति के साथ, लोगों की खैरखाही के साथ, क्योंकि इंसानियत का एक मिशन है. मैं जानता हूँ कि फिजिकली फिट दे लुक्स एट वन की कोई इशू ही नहीं है और जाहिर है ये डिजीज भी नहीं, एक डिसऑर्डर है जिसको ऑर्डर में लाने के सारे जतन है. इसमें टीम वर्क का फायदा है. मैं आपको सुनता हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन को भी देखता हूँ और बड़ा दिल खुश होता है कि लोगों को कितनी इल्मी मालूमात हासिल हो रही है. वो जो घबरा गए थे, जिनके हाथ पांव फूल गए थे, जो आगे बढ़ने ही नहीं चाह रहे थे और उन्होंने तय कर लिया था वैसा ही इसी तरह रहना है. हालांकि बिल्कुल गलत बात है, कितने बच्चे नॉर्मल स्कूल में मेन स्ट्रीमिंग में जा रहे हैं और विदाउट शेडो और रिसोर्स टीचर के जा रहे हैं, कितने बच्चे रवानी से बोल रहे हैं, कई बच्चे फोनिक्स पर ऐसे शानदार गए कि उनको आप पीएचडी की किताब दें तो प्रॉपर एसेंट के साथ वो रीड आउट कर रहे हैं. दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग बट दे लर्न हाउ टू रीड अ बुक. तो ये सारी चीजें मैंने खुद देख रखी है. कई बच्चे ऐसे भी हुए जो मौजूदा सा कहूंगा, क्योंकि ये भी बात है कि इट्स लॉन्ग लाइफ डेवलपमेंटल इशू, उम्र के साथ बतदरीज बढ़ने वाला इशू है. अगर हम इग्नोर करें, छोड़ दिया, तो आप खुद ही बोलेंगे कर्ज हो गया हमारे साथ, गलत हो गया, गुना है फलाना. अभी भी लोग ये बातें करते हैं. लेकिन अगर आप लगे रहे इनके साथ, जो इनका हक है EFA एजुकेशन फॉर ऑल और खास तौर पर जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जाहिर है गट्स के मामले आते हैं, देयर सो मेनी सेकेंडरी इश्यूज जो आपके विजन में तो नहीं आएंगे,
आपको विजुअली नजर नहीं आएगा, लेकिन बच्चा सफर कर रहा है और बच्चे को जरूरत है उन माहिरीन की जो उनको असेस करें, डायग्नोज करें और उनका एक प्रोटोकॉल का जो एक चार्ट है आपको पेश करें। इसको फॉलो करने वाले बच्चों को मैंने देखा रवानी से अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। देखिए इश्यूज होते हैं कभी कभार, वो अपना स्पेक्ट्रम शो कर देते हैं, लेकिन वो पहले वाला बच्चा नहीं था, बिल्कुल एक बदला हुआ बच्चा जो बेसिक स्किल में ट्रेंड हो गया, वो बच्चा जो पूरा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था सारे बाथरूम में, जगह जगह हर जगह पर अपना स्प्रेड कर देता था, वही बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो गया। वो लाइक रोबोट भी बस बच्चे जो आपके सारे कमांड खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही ऐड कर रहे थे, और वो बच्चे भी जिनसे हमारा प्रॉम्प्ट खत्म हो गया, सिर्फ हम कमांड दे रहे हैं, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे, और वो सारे काम कर रहे थे, ड्रेसिंग का और टॉयलेटिंग का, ईटिंग का, ये सारी वो चीजें हर बच्चा और हर माँ बाप चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फॉर देयर इंडिपेंडेंसी। ये जो आपकी ओवर प्रोटेक्शन है और जो आपका के ओवरनाइट को चेंज आ जाए और आप तेजी से स्विच करते हैं कभी इधर कभी उधर कभी इसके पास, तो बहुत सारे लोग हैं कि ना, बहुत सारे तरह तरह के ऑफर्स हैं जो दरअसल मिस गाइड करते हैं, ना तो FDA अप्रूव होते हैं ना वो PMDC अप्रूव होते हैं, तो ये लोग भी बीच में, इस वजह से भी बहुत सारे वालदैन, क्योंकि वालदैन असल में सही नुमाइंदा होते हैं माँ बाप के। बतूल साहब ने खुद एक बच्चे को माशाल्लाह ग्रेजुअली उसको राइज कर रही हैं, डॉक्टर फरीन ने ऐसा किया, कितनी और माए, और इस तरह हुजैफा एक बच्चा लाहौर में जो मैं भी गुफ्तगू कर रहा था डेवलपमेंट के हवाले से, जिसको चाहे वो हुजैफा से मिल ले, आज उसकी मामा भी MPhil है और एक छोटा सा स्कूल सेटअप रन कर रही है जिसमें हाफ से ज्यादा बच्चों को फ्री, क्योंकि दर्द वाली बात है, जियाउल हक शेख की बेटी जैन की वजह से अवेयरनेस आई थी, रियर एडमिरल मुश्ताक साहब की वजह से फौज ने पहले ये इदारे बनाने शुरू किए, और मैं इन दोनों इदारों का पहला पायनियर प्रिंसिपल रहा। वक्त गुजरता गया, अब चूंकि मैं अपने घर पर छोटा सा सेटअप है, लोगों को पता है, लोग भेज रहे होते, मैं क्या करता हूँ कॉन्शियस पेरेंटिंग, जो कि आपका एजेंडा भी था कि पेरेंटल एम्पावरमेंट। तो वालदैन को चाहिए कि हिम्मत ना हारें, मायूसी तो हमारे दीन में भी कुफ्र है, मायूसी की तो जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, हमारा आखिरी सिपाही भी दिफा के लिए सरहदों पे लड़ता है, पीछे नहीं हटता। इसी तरह ये ऐसी जंग है जिसमें मारना नहीं है, आपके मेथड होने चाहिए ना, योर प्रेजेंटेशन, योर कन्वेइंग प्रोसीजर, योर प्रिपरेशन एंड योर स्टाफ, फिर आपका एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड नहीं है ना, तो आप PhD भी कर लें, आप एक बच्चे पे काम नहीं कर सकते। वो जो दिली मोहब्बत होती है, वो जो वाबिस्तगी होती है, वो जो आपका खुलूस होता है, और जो उस वक्त आप मोबाइल बंद कर दें कि ना, आपके जो दूसरे ख्यालात ब्रेन में आ रहे हैं उसको अगर साइड में करें तो आपको नजर आएगा कि यू हैव टू बी लाइक एन आर्जर साइड, मीन्स ऑल ऑब्जर्वेंट, हाईली वॉचफुल एंड कीन साइटेड। जब आप दिल की आंख से देखेंगे, जब आप जामी मुशाहिदा करेंगे, जब आप गहरा जायजा लेंगे, तो आपको बच्चे के सारे खद्दोखाल नजर आने लगेंगे, आप अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर तौर पर खुद जांचने लगेंगे। लुक, वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट अप टू सम एक्सटेंड, हम थोड़ी सी बेहतरी के लिए मेहनत करते हैं, हम कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, हम कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, वो सब भी बेबस हो जाते हैं कि हम क्या करें, लेकिन उनका एक सिस्टम है, वो भी असेस कर रहे होते हैं, रेकमेंड करते हैं सप्लीमेंट के वाले से। आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, आपको जो मेरी एडवाइस है कि क्वालिटी इज ए मस्ट। अगर सेम नेम, सेम ब्रांड, सेम प्रिंटिंग के अंदर स्टफ ही गलत होगा, तो इसमें देने वाले का क्या कसूर। जगह बदल बदल के ना खरीदें, जब आप किसी पे रिलाय कर लें तो आप इस्तखारा कर लें। अगर आप, मेरा इस्तखारा उस वक्त में ये वर्ड भूल गया था, बतूल के वाले से मेरे इस्तखारे में तो यस आया भाई, सीधी सी बात है। अब दुनिया को बता दूं कि मेरा इनसे कोई कमीशन नहीं, मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ, और इन जैसे जितने भी बासलाहियत महरीन है, मैं उनको दिल से इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो बाकी शिफा मिन जानिब अल्लाह है, तो आप में से जिन जिनको वक्त मिले आप एक अपॉइंटमेंट लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, बेशक सेकेंड और थर्ड ओपिनियन भी ले लें, आप खुद ही जायजा फरमा लेंगे कि कौन मुझे सही रहनुमाई कर रहा है, और फिर जहां रिकमेंड करें वहीं से आपको इस सवाल में और पूछना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के मेरे पास सवाल भी आ रहे हैं। एक जो चीज मुझे आपसे पूछनी है वो ये कि आपका माशाल्लाह इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपके पास हर तबके, हर कम्युनिटी, हर जगह से लोग आए हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं, आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, माशाल्लाह आपका यू नो उर्दू इंग्लिश दोनों पे ही अबूर है, तो आपको क्या लगता है वो पेरेंट्स जो कि थेरेपी सेंटर्स या थेरेपी इंस्टीट्यूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, और एक तबका है हमारे पास ऐसा जो नहीं कर सकता, एंड दैट्स द रियलिटी।
और पाकिस्तान में जिस हद तक महंगाई बढ़ गई है वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आपके अपने एक्सपीरियंस में कि जब पेरेंट अपने आप को खुद चीजें सिखाता है, अपने आप को खुद एम्पावर करता है, तो उनके लिए वो मेंटल हेल्थ के लिए बेटर है कि नहीं? कुछ बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि अब तो हम ऑलरेडी इतने बर्नड आउट हैं, इतने थके हुए हैं कि अब अगर आप हमें ये बताएंगे कि हमें मजीद कोई काम खुद से करना है अपने बच्चों पे, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे, मैं अग्री नहीं करती इस बात से। आई मीन, आप ब्रेक ले लें, ऑब्वियसली हमने इस पूरी चीज के ऊपर बात की है कि ब्रेक्स लेने हैं, मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज करना है, मगर आपकी इंसाइट्स चाहिए मुझे इस चीज के ऊपर कि आपको क्या नजर आया ओवर द इयर्स, कि क्या वो पेरेंट्स सुरखुरू रहे जिन्होंने खुद काम किया, वो खुद लगे, अपनी मेहनत डाली, या ये कि कॉम्बिनेशन में चले, या ये कि बिल्कुल ही थेरेपीज के ऊपर छोड़ा उन्होंने? बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल किया आपने। हालांकि मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा खूबसूरत जवाब भी आप ही दे सकती हैं, लेकिन मुझसे आपने पूछा है तो कॉन्शियस पेरेंटिंग, वर्किंग विद पेरेंट एंड पेरेंटल एम्पावरमेंट प्ले द की रोल। इट्स अ टीम वर्क, फर्द कायम, रब्त मिलत से, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। गिव अप का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। मैं 100 बच्चे के करीब वीकली कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह करा रहा है ना, मैं जानता हूँ मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मगर पेरेंट्स के पास तो एक ही बच्चा होता है और वो उसको बहुत परेशान कुन अंदाज में, ना कोई ये बुखार है, ना कोई नजला जुकाम है, ना ही कोई डिजीज है कि आप उस हवाले से सोच रहे हैं को बस रात को दवा खिलाओ सुबह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। ये तो आपने उसकी दुनिया में दाखिल होकर के उसके साथ ग्रेजुअली बाहर आना है, और वो करता है, बाहर आते हैं, वो फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। जब तक बच्चा जाग रहा है, मेरा तो यही है, मैं सबको बोलता हूँ सुबह उठते ही बच्चा जाग रहा है, यू आर ऑन ड्यूटी। अब वैसे भी ऑन ड्यूटी होते हैं, जरा से इसको ऑर्गेनाइज कर लें, ऑर्डर में ले आए, लाइक अस्सलाम वालेकुम, शेक हैंड, लुकिंग स्मार्ट, नाइस बॉय, कम स्टैंड अप, दिस इज योर ब्रश, यू नो इट्स ब्रश टाइम, टेक योर ब्रश 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 एंड यू हैव टू रिपीट। क्योंकि बहुत सारी बातें बिंग कम्युनिकेशन एंड साइन डिसऑर्डर के हवाले से मेरी जो स्टडीज है, मेरे वक्त तो इतनी डिग्री थी ही नहीं, और लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और जितने माहरीन आते थे मैं उनके पीछे पड़ जाता था। डॉक्टर शकील रजी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैनचेस्टर के, आर्मिन लोबी जर्मनी का, डेनिस शेपर्ड यूके के, सब लोग जितना साल पाकिस्तान रहे ना, मैं एक्स्ट्रा टाइम इनके पीछे लगा, मुझे जरा बता दो, समझा दो। इस तरह कई पायलट्स के बेगमाद ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से एबीए की मास्टर डिग्री ली, और उसके बाद जो मेरा कंपैरेटिव स्टडी है, द बेस्ट इज सीए स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक, लोगों ने किया। तो इतने पेरेंट्स के मेरे पास नॉलेज है कि जिन्होंने खुद इसको टेक ओवर किया और फिर दूसरों के लिए जरिया बन गए। मुझे जानता हूँ ना, सारे खुद को एम्पावर इतना नहीं कर सकते कि हाई प्रोफाइल डिग्री अचीव कर लें। अल्लाह ने माशाल्लाह करम किया, अल्लाह की मेहरबानी है कि बतूल को ये मौका मिला, उन्होंने स्टडी किया, पढ़ा, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन पेरेंट्स कुछ हद तक जो आपको एडवाइस दी जाए उसको बर्डन ही समझे, कोई मजदूरी ना समझे, आपका बच्चा है। और पॉजिटिव बैलेंस एंड इक्वलाइजिंग बाय ऑल मींस यू हैव टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं रहे तो आपको छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगेगा। देखिए, मैंने 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक कुछ ऐसे बच्चे भी अपने पास रखे जिनके माँ बाप रो रहे थे कि हम 5 साल से शादियों में नहीं गए, मेरा बच्चा चीखता बहुत है, चिल्लाता बहुत है। मैंने कहा मैं 10 बजे तक सेशन लेता हूँ ना, छोड़ जाओ, जॉब अटेंड करके वापसी में ले जाना। कि मेरे पास वो एक्टिविटी करता रहा, मैंने पानी पिलाया, खिलाया, बाथरूम भी ले गया और सो भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि पेरेंट्स के राइट होता तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप 3-4 पेरेंट्स मिल करके भी छोटा सा सेटअप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यूनिट सुपरविजन, सब कुछ अपने मर्जी से करेंगे आप और डायरेक्शन को बार बार चेंज करेंगे तो आपका बच्चा कंफ्यूज होगा। लाइक अलॉट ऑफ कमांड, अलॉट ऑफ वर्ड कंफ्यूज द चाइल्ड। एबीए का छोटा सा फॉर्मूला, देयर आर सो मेनी एबीए एक्सपर्ट पाकिस्तान, मैं छोटा था जो मेरे दिल को लगा था, मेरे दिमाग को लगा था, मैंने उस एक फॉर्मूले पे सारे कमांड को अप्लाई किया, मुझे तो रिजल्ट मिला है ना। और ये मैं अपने दिल से बात करके, बच्चे को 2 बार कमांड दो, लाइक अहमद नाम है, अहमद कम हियर, अहमद कम हियर, एंड यू हैव टू मेंटेन योर क्लैरिटी, इंटेंसिटी, पिच, योर प्रोडक्शन, ये सब का भी ये बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ये रफली सतही अंदाज में, दिली दिल में, या मुंह मुंह में जब आप बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। लाइक अ न्यू लीडर, आप एक प्रोफेशनल कंडक्ट बनना चाहिए। तीसरी बात, सॉरी, पाकिस्तान में लोग पेरेंट एम्पावरमेंट पे काम कैसे करें, क्योंकि ये आई गेस कहना अच्छा लगता है और
ऑब्वियसली मैं हूँ और काफी सारे और ग्रुप्स हैं, आपको पता है डॉक्टर नादिया भी इतना अच्छा काम जी कर रही हैं, और जी पेरेंट्स जी एम्पावरमेंट के ऊपर लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम कैसे किया जाए, स्पेशली एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जो कि थेरेपी थेरेपिस्ट ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकती, और हाँ वो यानी कि उनका नॉलेज पे भी इतना कोई ज्यादा उबूर नहीं है, तो जी वो जी नहीं होते, देखिए इनिशियली बहुत सारे जो नए नए पेरेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो ज्यादातर 80% का यही होता है कि हमारे पास फाइनेंस का इशू है, वी कांट अफोर्ड दूस हाई हाई एक्सपेंसिव, यानी 70,000, 50K, 100,000, तो हम कैसे मैनेज करें। अब दो ही तीन ऐसे इदारे हैं जो फ्रीली, जो गवर्नमेंट बेस्ड, वो भी सिर्फ कराची में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं, लेकिन वो एक एक साल बाद बारी आ रही है और एक साल में 4 से 6 सेशन आ रहे हैं। जाहिर है आपको जरूरत है कि आप छोटे छोटे जो प्लान्स होते हैं उसको फॉलो करें, वीकली प्लान्स है, मंथली प्लान है, लेकिन मैं काफी स्टफ दे देता हूँ यूएसबी में। अच्छा, मैं जो पेपर में देता हूँ लिटरेचर में, तो दुख होता है कि आजकल ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई पढ़ाना चाहता है। यूनिवर्सिटी के विजिट करता हूँ तो मुझे स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, बस वो फिजिकल स्ट्रेंथ है उनका, यानी कंसर्न नहीं कि मैं क्लास में इंटरेस्ट लूं। तो मैं वोकल का ज्यादा यूज करता हूँ, मैं उनके मतलब कान, बच्चे के साथ भी यही करता हूँ कि कान खा जाओ ना। रिसर्च है 70% विल लर्न थ्रू सेंस ऑफ हियरिंग, ओनली 30 बाई विजन। हम 70% अपने कानों से सीखते हैं, तो वी कैन ओनली वर्क फॉर द रिसेप्टिव स्किल्स एज मच एज वी कैन। उसके लिए हमारे तरीके कार को जरा फैसिलिटेट करें, लाइक ए प्रोफेशनल प्रोफेशनल कंडक्ट होगा ना, तो बच्चा आपको अट्रैक्ट करेगा ना। उनके हियरिंग का इश्यू थोड़ी होता है, उनका एक ही इश्यू अटेंशन डेफिसिट, वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, यही ऑटिज्म है। तो आपको उनकी मुनासिबत से कभी लाउडर, कभी पिच को लो करना, कभी बहुत ही पिक्यूलर टाइप वॉइस क्वालिटी अट्रैक्ट ए चाइल्ड, तो आवाज की अपनी, आवाज की दुनिया की अपनी एक लज्जत होती है। तो आई एम यूजिंग साउंड एज वेल। बाद लोग डरा रहे थे मैं हॉस्पिटल में, ऑटिज्म है, स्लो डाउन, इरिटेट, हाइपर हो जाता है, अग्रेसिव है, सेंसरी इश्यूज है, कम का डरा रहे, नया नया बच्चा है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया और मैंने वो, मैंने कहा देखो ये बच्चा बाइक पे तुम ले जाओगे, गाड़ी पे जाओगे, रोड पे भी जाएगा, क्या हर वक्त आप संभालते रहोगे? अभी प्रेशर ऑन, ट्रक ऑन, बस ऑन, प्लेन सारे, जहाज की कितनी तेज, 120 dB का साउंड होता है, बच्चा तो सहम जाएगा, आपसे चिपक जाएगा, क्योंकि आपने बहुत माइनर, गिव मी स्क्वायर, गिव मी रेक्टेंगल, पुट ऑन टेबल, गुड, व्हाट इज दिस, इट्स ओवल, ये तो भाई यहीं से गुजर जाएगा ना। बच्चा सेहतमंद है, ठीक है, सेंसरी इश्यूज के हवाले से और उसके कुछ और जो एडिशनल इश्यूज के हवाले से असेसमेंट में चीजें सामने आती है, इन द लाइट ऑफ दैट बस प्राइम बच्चे का बहुत ही स्टेबल होता है, बस वही तो मैं पिक करना होता है ना। इन द लाइट ऑफ देयर नीड मैं रिड्यूस भी करता हूँ, मैं मैक्सिमाइज भी करता हूँ, मैं उसको सारी अवेयरनेस देता हूँ, मैं उसको सारी चीजों से गुजार देता हूँ, वही बच्चे का डर खत्म हो जाता है, वो गेट से क्लास में आता है। अब वो लाउडर आवाज हो, ट्रेन की आवाज हो, कुछ भी हो, उसको कोई डर नहीं है। ये सारे लोग चाहे यहाँ के देख सकते हैं, पेरेंट्स से मिलवा सकता हूँ, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखिए फैट डिपोजिशन ब्रेन में भी होती है बॉडी के साथ, दुबला पतला बच्चा आप आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, खामखा उसको ओबेसिटी की तरफ, खाने की तरफ, हर चीज में म्याना रवि हमारे दीन ने कहा है, तो खाने के मामले में भी, मैं तो जनरल वर्ड खाना इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके लिए पूरा एक न्यूट्रिशनल एडवाइजरी है, प्रॉपर डाइट है और सप्लीमेंट है, जो ऑटिज्म में जरूरत पड़ जाती है ना। करने को तो आप टेस्ट करा लीजिए, HMT टेस्ट, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो पहले पूरे मामला आपके सामने आ जाएंगे, वो टेस्ट खुद इतना महंगा है, जी यहाँ से जी सैंपल दुबई जाता है ना, फिर आपका रिपोर्ट आता है। लेकिन इस सारे हवाले से मैं तो रिकमेंड करूंगा बतूल, बतूल के पास साउंड नॉलेज है और साउंड सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, और वो जिसको रिकमेंड करें आप वहां जा सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले सर, डॉक्टर, थैंक यू सॉरी सो मच सर, बोलिए, आप मुझे बार बार रेकमेंड करते हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, आपका भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे आपसे ये भी पूछना था सर, आपके नजदीक जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो पेरेंट्स आपके पास जी आते हैं, उनका बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन क्या है? व्हाट इज द थिंग दैट्स मेकिंग देम सैड और एंक्शियस या डिप्रेस्ड? वो सपोर्ट का इसी बताते हैं, फैमिली ड्रॉबैक बताते हैं असल में ना, वो मदर मदर द ग्रेट। देखिए मेरे पूरी लाइफ में, मेरे कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूं, शायद और लोग भी हों, ये 98, अगर 100 लोग मिले ना तो 98 मदर थी जो सिंगल थी, सिर्फ दो फादर मिले मुझे जिनके पास बच्चा और माओ ने छोड़ा कुला लेके, एक ये भी बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये जी अलहदगी सेपरेशन ना भी हो
वो भी इन्वायरमेंट बड़ा खराब हो रहा होता है, तो माँ को ना सिर्फ अपना बच्चा फेस करना होता है बल्कि हस्बैंड फैमिली, अगर ज्वाइंट फैमिली तो सबके वर्ताने तशने ये सब बताते हैं ना मुझे बेचारे सब, मैं उनकी बहुत दिलजोई करता हूँ सबको, मेरे को सिर्फ सबर पेशेंस, इन बच्चों के काम में भी जो हम लोग की पढ़ाई है वो भी पेशेंस है। लेकिन वी नीड टू स्पीक 200 टाइम फॉर हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रेन हु यूजिंग हेयरिंग एड, यानी जिनको समाज के प्रॉब्लम है, इनकी समाज की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं होती है, ऑलमोस्ट सभी बैरा से गुजरते हैं, ब्रेन वॉक रिस्पॉन्स और जियोमेट्री। आई वाज आल्सो वर्क एज ए सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट इन रियाज मिलिट्री हॉस्पिटल, तो मैं सब जानता हूं, तो मैं स्क्रीनिंग से जज कर लेता हूं कि हेयरिंग इज देयर, इश्यू इज अटेंशन डेफिसिट, लेकिन वो 10-12 हज़ार रुपए टेस्ट में, वो भी गरीब आदमी के लिए बड़ी रकम होती है, तो वो सब रेकमेंड करते हैं कान का टेस्ट करा लो, और बैरा ही लिखते हैं क्योंकि प्योर टोन ऑडियोमेट्री है बच्चा जो ना रिप्लाई, वो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, दे कैन ओनली केयर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यू ना वो कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट निकल आता है और हेयरिंग लॉस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलमोस्ट नहीं देखा, रेयर केस में देखा, उनको भी हेयरिंग एड का कोई फायदा नहीं हुआ, वो ग्लू इम्प्लांट भी हो गया, लेकिन पूरा टीम मैनेजमेंट एक सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, तो हेयरिंग को लॉस नहीं होता, मगर रिसर्च जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, हेयरिंग इम्पेयर से 200 बार बोलो एंड फॉर न्यूरोटिपिकल पूरे न्यूरोडाइवर्स यू नीड टू स्पीक इवन मोर, तो माँ बाप और सारे खानदान वाले सुनो कि एंड नहीं है, मैं सारा दिन जितना बात करता हूँ इतना बात करता हूँ को क्या बताऊं, तो आप लोग अपने बच्चे से बात करें लेकिन क्लैरिटी को, पाउसिंग को, इंटोनेशन को, रिदम एंड स्ट्रेस को, टोन एंड टॉक को, इसमें बहुत ही खूबसूरती पैदा करने की जरूरत है, तो बच्चा जरूर आपको अट्रैक्ट करेगा, और ये साउंड एक एनर्जी है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये प्रिजर्व होती है स्पीच एरिया ऑफ द ब्रेन में, ध्यान में रखिएगा, आवाजें तबाह नहीं होती हैं, आपकी जो मेहनत और ये जो रियाजतें हैं ना जो आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, हर चीज खाने में पीने में बाहर जाने में इंडोर आउटडोर फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वो जो आपसे उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें असर पैदा कीजिए, यानी आवाज में एक ताकत भी हो, एक इंटेंसिटी भी हो, ये जाया नहीं जाता डिपॉजिट होता है, रिटेंशन रिकॉग्निशन रिकॉलिंग आर दी सबसेट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के 3 हिस्से, टाइम विल कम यू विल रिकॉल, उनके 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद, मैं सारी मिसालें बिल्कुल अमली दे सकता हूँ, डॉक्टर प्रवीण कार्डियोलॉजिस्ट का बच्चा 6 महीने बाद रात को 2 बजे वो जज्बात ही मुझे फोन किया कि बिल्कुल आपकी नकल कर रहा है, क्योंकि मेरे रिदमिक फन बेस 4-5 इंडियन बड़ी अच्छी माए थी ना, उनको जब मैंने उनके बच्चे को सिखाया तो उन्होंने भी पढ़ लिया, तो उन्होंने इतना अच्छा शेयर किया, फन बेस पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भेजे, तो मैं संजीदा आदमी था लेकिन बच्चों के सामने मैं बिल्कुल यानी कार्टून बन जाता हूँ, यानी हाथी है तो हाथी बन के पढ़ाता हूँ, सब एक टून दे रहा आपको लाइक बाबा 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 मामा 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 ला 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 ला, उसके बाद में वही साउंड पर, फिर वर्ड पर, फिर कॉन्सोनेंट पर, फिर डिफथोंग पर, फिर 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे चला जाता था, तो वो बच्चे ने मेरा ये टोन अपने घर में शुरू हो गया था, उसकी रिकॉलिंग प्रोसेस हुई, और फिर सारे वर्ड आई यू माइंड योर्स हेयर देयर मैंने कहा रेलिवेंट करना शुरू करो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, जब पत्थर में भी पानी के कतरे के गिरने से सुराख होता है, एक बच्चे पे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो आज किया वो कल भी करो, ठीक है ना। मैं अब जाके जुम्मे का ऑफ करता हूँ, वरना मैं 7 डे वर्क कर रहा था पिछले 17 साल से, मेरी कोई ऑफ नहीं था, माँ बाप भी तो उनका कोई ऑफ नहीं होता है, नहीं आपको तो खुद पता ही नहीं, आप बीइंग मदर 24 घंटे आप ड्यूटी पर है अपने बच्चे की, आपका अंदाज अपना है, लेकिन इसी को जरा साइंटिफिक अप्रोच अगर दे लें, कभी कभार इस तरह की जो मीटिंग है ना इसको अहमियत दे लें, जो कुछ अच्छी बातें होती है, जाहिर ड्राई सब्जेक्ट है इसको डाइजेस्ट कर लें, डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादातर उर्दू का सहारा लिया, हमारी कौमी जबान है और पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, हमारे यहाँ 43% अप्रॉक्स क्रिटिकल सेंसेस हो गया, नहीं समझिए आधे बच्चे स्पेक्ट्रम पर है, और 10वें 12वें घर में मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है, मैं तो इन्हीं आंखों से घूम रहा होता हूँ देखता हूँ, इधर भी यही है, ये पूरी दुनिया में ये है, जी इनफैक्ट यूएस के अंदर पूरी ये बता रही हैं कि पहले तो आई थिंक अप अंटिल लाइक 2015 तक भी वी वर लाइक 1 in 75 या 1 in 80, लेकिन एज पर द मोस्ट रिसेंट स्टैट्स अब तो हम 1 in 42 हैं, तो 1 in 42 के मेरे मोहल्ले के अंदर ही यकीनन यू नो मेरी नेबरहुड में 4-5 बच्चे डेफिनेटली होंगे ऑटिस्टिक, एंड दैट्स अ वेरी स्केरी नंबर। तो मुझे मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करें और रोज अपने ही अंदाज में वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करें, छोटे छोटे गोल्स सेट करें,
अपनी उसके नॉलेज के हिसाब से. बिकॉज द थिंग इज के थेरेपी और थेरेपिस्ट जो है वो हर वक्त आपके साथ नहीं होता, और ये तो आपसे बढ़ के बेटर कोई नहीं जानता होगा सर. आप तो इतने सारे बच्चों को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं. तो एज एन एजुकेटर ऑल्सो यू प्रॉब्ली नो के बच्चे ने घर जाना है एट द एंड ऑफ द डे अपने पेरेंट के साथ ही है. तो फिर पेरेंट को सिखाना और उनका सीखना, ये दो चीजें मेरे नजदीक काफी इक्वली इम्पोर्टेंट है. बहुत बहुत अच्छा आपने समप किया है। बिल्कुल, देखिए वालदेन से बार बार ये इल्तमास है कि घबराइए नहीं, खूबसूरत एक मुस्कुराहट जो सब चीजों को किल करने के लिए काफी होती। मैंने बतूल को हमेशा मुस्कुराते देखा, भाई मेरी ये बड़ी बेटी के बराबर है, ठीक है ना। मैं खुद माशाल्लाह 3 बेटियों का बाप हूँ, तो जो बच्चे इतना अच्छा आगे तरक्की करते हैं और लोगों के लिए बाइस से रहमत बन जाते हैं, यानी उनकी मौजूदगी एक तरह की जरूरत बन जाती है कम्युनिटी के लिए, माशरे के लिए, तो आप सब नुमाइंदा हैं। 100 लोग, थोड़े लोग यहाँ देख रहे हैं, सबके पास तो व्हाट्सएप भी नहीं होता ना। पूरे पाकिस्तान में अगर जाए तो मैं तो पागल हो जाऊं कि यार इतनी बड़ी तादाद। वो तो उनको अल्लाह वाले, और ये बस अल्लाह वाला है, बहुत बरकत वाला बच्चा है, दरख्त के नीचे इधर उधर ये सब चीजें अभी भी देख रहा हूँ, जंजीरों से बंधे हुए अभी भी देख रहा हूँ सारी चीजें। तो आप लोग लाइटली, आपका घर है, आपके पास सामान मौजूद है, स्ट्रक्चर है, और आप कर सकते हैं, तो आप अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करें बच्चों के लिए। जो मैं पॉजिटिव, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने 2 PhD किए रशिया से, पॉजिटिव बैलेंस एंड इक्वलाइजिंग में, उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, मैं ये कह रहा हूँ, नेगेटिव होंगे, किसी को बुरा जानेंगे, उससे गलत कर दिया, उसने खराब कर दिया, उसने मुझे मिसगाइड किया, वो तो इतने पैसे लेने, सब छोड़ दे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जहां आपको अच्छा लग रहा है आप वहां रुजू करें, जहां से आपको इल्म मिल रहा है वो हासिल करें, जो आपके रेंज में वहां से गुजरिए, और जो आपने हासिल कर लिया उसको अप्लाई कीजिए पॉजिटिव रहकर, मुस्कुराते हुए। अगर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे और अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटेड और समझेंगे कि मेरा गिल्ट, फार्मेसी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी MBBS डॉक्टर, अभी रिसेंटली 10-12 डॉक्टर के बच्चे मेरे पास है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर वो डॉक्टर बेबस अपने बच्चे के लिए, उनके सब्जेक्ट में ऑटिज्म की स्टडीज बहुत महदूद होती है, स्टडी मेरा भी बहुत नॉमिनल है, माशाल्लाह एक से एक्सपर्ट मौजूद है, मगर प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी गुजरी है ना, मैं इनके साथ रहा हूँ ना, अभी 20 बच्चे गए मेरे पास, 4-5 इतने प्यारे ऐसे खूबसूरत बच्चे कि समझ में नहीं आया कि कहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ऑटिज्म वाली क्या चीज आ गई ना। अब वो तो कॉज अभी तक देखिए नहीं मालूम कि कॉज अननोन है, ADHD डायग्नोज है ना, अभी तक प्रॉपर कॉज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो जो चीजें फिगर आउट हो जाती हैं हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो और ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, सप्लीमेंट की बात हो रही है। अक्सर लोग बोलते हैं ना बच्चा सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा, भाई थकाओ, मैं ज्यादातर थका तो उसके बावजूद भी देयर इज सम इश्यूज, फिर आप कंसल्ट करें तो आपको पर्स दिया जाता है इन द लाइट ऑफ नीड, बाजू का आपको सब कुछ स्लीपिंग पिल जो दिए जाते हैं ना, मगर मैं थकाने का बोलता हूँ, अगर आप थकाओगे ही नहीं तो कहाँ से जी, सोएगा, वो भी ना। ज्यादा एंड लुक फॉर द पोटेंशियल टू बिल्कुल. प्रमोट, और बच्चे बच्चा का कूलर खूबियों जगह को पे स्क्रीन ढूंढो। पे बैठा हुआ है तो वो थक तो सकता नहीं. तो जी बच्चे जी को एक्टिविटीज में लगाना, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उनको टायर आउट करना, बिल्कुल सही पॉइंट है जी आपका सर. थैंक यू चलो सो देखो मच. मैं चले, प्लीज आप प्लीज कुछ नहीं, वो अगर मेरे पास तो जखीरा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा वक्त दिया, मुझे काफी सुकून मिल गया, मैंने काफी गुबार निकाला है, लेकिन आप यहाँ गाए बगाए लोगों को आप इम्पावर करती रहिएगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे भी अपने फोरम में रखा, लेकिन माशाल्लाह एक से काबिल लोग हैं, और ये सब मेरा सुकून है, सारे मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ताला इन सबको बहुत आगे बढ़ाए, बहुत तरक्की दे आप समेत, तो मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, आप इख्तितामी कलमात आप कह दें, मैं ज्यादा चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर नौशाद. आपने हमें ज्वाइन किया, आपने लोगों की जो आपके एक्सपीरियंस में इंसाइट्स हैं वो शेयर की, जो कि हमको जरूरत है एज अ मुआशरा कि हम आपसे भी सीखें. और जाहिर है हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स भी आए हैं और टॉप साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं, लेकिन आप भी अपनी जगह एक किरदार अदा कर रहे हैं. आपका ऑडियोलॉजी का इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है, आप एजुकेटर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं. तो ये भी एक इंसाइट था जो मैं चाहती थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं, और एज 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 अ सोसाइटी वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एज वेल. तो थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया अपनी इंसाइट्स, अपनी नॉलेज, एंड वी विल होप टू सी यू अगेन वेरी सून. थैंक यू सो मच सर. खुदा हाफिज. अल्लाह।